गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन आज जीएसटी के अंदर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है अपना टाइम ऑफ सप्लाई, यानी आपूर्ति का समय कौन सा माना जाएगा। यानी आपने यदि गुड्स और सर्विसेज की यदि सप्लाई की है तो कौन से टाइम को सप्लाई ऑफ टाइम माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि टैक्स लायबिलिटी कब राइजेज होगी, यानी जो जीएसटी है उसका पेमेंट है वो गवर्नमेंट को किस समय प्राप्त होगा, वो इस सेक्शन के अंदर बताया गया। अब टाइम ऑफ सप्लाई किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा वो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट के ऊपर अलग अलग हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी कब प्राप्त होगी और उसका पेमेंट कौन करेगा वो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। यानी जीएसटी के अंदर जीएसटी कलेक्शन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों का ही एक इम्पोर्टेंस रोल है। इम्पोर्टेंट रोल इसलिए कि टाइम यानी किस समय उसको गवर्नमेंट को जीएसटी के अमाउंट मिल जानी चाहिए वो टाइम ऑफ सप्लाई में बताएंगे, कौन सी वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा वो इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर बताया गया इसमें। अब टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर बड़ा बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी है ना कंडीशन होती है, ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसी डेट होती है। अब उनमें से किस डेट को गवर्नमेंट को पेमेंट मिलेगा वो देखने के लिए देखिए इसके अंदर, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर बड़ा सबसे पहले क्या होता है, यदि टाइम ऑफ सप्लाई अगर देखिए तो परचेज ऑर्डर, ठीक है, सबसे पहले बड़ा परचेज ऑर्डर होता है कि किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है, परचेज भी नहीं परचेज ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद में एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ गुड्स यानी सप्लायर के द्वारा गुड्स को ट्रांसफर कर दिया गया वो भी इसके अंदर पार्ट। फोर्थ है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी जो रिसिपेंट है उसके द्वारा जो गुड्स की जब जिस डेट को डिलीवरी दी जाती है उस डेट को पेमेंट करना चाहिए क्या, वो भी इसका एक पार्ट है। या पेमेंट रिसीव की डेट है उसको माने, या एंट्री मेड इन अकाउंट्स बुक, अकाउंट बुक की एंट्री की डेट, या चेक डिपोजिटेड इनटू इंपैक्ट। अब इसमें से कौन सी डेट है उसको अपन टाइम ऑफ सप्लाई माने, इससे बड़ा देखिए बहुत सारी डेट आ गई। अब ये सब डेट आपको अलग अलग मिलेगी, यानी उसका परचेज ऑर्डर कब दिया गया है ना, किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले यदि परचेज ऑर्डर दिया जाता है तो परचेज ऑर्डर की जो डेट है वो भी आगे इसमें स्पेसिफिक रहती है, या उनके बीच में कोई भी गुड्स की सप्लाई का अगर एग्रीमेंट किया गया तो एग्रीमेंट का जो डेट है वो भी अलग डेट होती है इसके अंदर, या जो सप्लायर है उसके द्वारा गुड्स का ट्रांसफर किया जाता है ना रिसिपिएंट को, या रिसिपिएंट द्वारा गुड्स की बड़ा डिलीवरी ली जाती है, या पेमेंट सप्लायर के द्वारा रिसीव किया जाता है, या उसकी जो एंट्री है वो अकाउंट बुक में किस डेट को की जाती है, डेट ऑफ एंट्री भी हो सकती है इसके अंदर अकाउंट बुक के अंदर, या बड़ा लास्ट इसके अंदर है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी जो सप्लायर है उसको यदि चेक रिसीव होता है वो बैंक को में किस डेट को डिपॉजिट करवाता है वो डेट इसके अंदर। अब कौन सी डेट है उसको अपन टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे वो बड़ा अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से अब ये सब डेट है इसमें स्पेसिफिक कोई भी एक ऐसी डेट होगी जिस डेट को जीएसटी का जो पेमेंट है या जीएसटी है वो अराइजेज हो जाएगी, यानी उसका जो टैक्स है उसका पेमेंट है वो सप्लायर को या रिसिपिएंट को जो भी कंडीशन है उसके अंदर करना होगा। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसके अंदर जो एक अलग ही अगर अपन देखें तो इसके अंदर इतने जो अलग अलग इवेंट्स हैं, अलग अलग इतनी डेट है जिस डेट के अंदर अलग अलग जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ सप्लाई या टाइम ऑफ सप्लाई को बताते हैं।
अब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई अपन करते हैं, तो गुड्स के लिए जो गुड्स की अलग अलग कंडीशन दी गई है और सप्लाई और सर्विसेज के अंदर भी अपने को अलग अलग कंडीशन दी गई है, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अपन उसका टाइम ऑफ सप्लाई है वो निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा अपन इसके टाइम ऑफ सप्लाई के लिए ये जो इसका जो सेक्शन है, ये जो इतनी दे रखा है इसका सेक्शन अपना सेक्शन 12(1) के अंदर इतने जो पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी पॉइंट है वो इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई हो सकता है, यानी उस डेट को जीएसटी है वो अराइजेज होगी या जीएसटी का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को किया जाए। अब इसके अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है, वो ले रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इसके अंदर जो फर्स्ट आता है इसमें अपना पहला पॉइंट है नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स, और इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, यानी नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। नॉर्मल सप्लाई गुड्स की किसको अपन नॉर्मल सप्लाई मान लेंगे वो बेटा इसके अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। सेकंड इसके अंदर है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी बड़ा अपन ने देखा था कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई का वैसे इससे पहले डेफिनेशन वाले चैप्टर में अपने डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी होती है और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी होती है, जो पाइपलाइन वायर केबल के द्वारा गिर दी जाती है वो कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई अपने कैसे निर्धारित करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट आता है वो इसके अंदर सप्लाई अंडर अंडर रिवर्स चार्ज मीटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बेटा टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज का भी बताया था आपको। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जिस गुड्स की जो सप्लाई है उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो सप्लाई के द्वारा पेमेंट न करके रिसिपेंट द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ इसके अंदर सप्लाई ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, यानी सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर। देखिए सेल्स और रिटर्न बेसिस के अंदर ये होता है कि यदि अपन मार्केट में कई बार अपन परचेज करने जाते हैं, अपन एक कंडीशन के साथ परचेज करते हैं कि हमें ये गुड्स है वो पसंद आ गया, यदि हमें सेट हो गया तो अपन इसको परचेज कर लेंगे, अदरवाइज इसको रिटर्न कर देंगे, तो वो सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर जो सप्लाई है वो कहलाती है इसके अंदर, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आते बड़ा इसके अंदर अपना सप्लाई ऑफ वाउचर्स, ठीक है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, यानी वाउचर के द्वारा सप्लाई है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बड़ा सिक्स के अंदर इसके अलावा इनमें से कोई भी नहीं है अदर केसेस के अंदर सप्लाई कैसे निर्धारित करेंगे, और सेवन पॉइंट आता है इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ
एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये बेटा जो कंडीशंस है वो अपन ने लिए, इसके अंदर सेवन कंडीशंस है, वो है अपना टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। यदि अपन गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उसका टाइम ऑफ सप्लाई, उसका डिटरमिनेशन अपन कैसे करेंगे, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, वो इसके अंदर है। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मीन समझ में आया बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई का मीन है कि किसी भी गुड्स के ऊपर या किसी भी सर्विसेज के ऊपर या बोथ की सप्लाई के ऊपर जीएसटी है वो कितने अमाउंट पर लगेगा, वो तो अपना पार्ट है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, यानी कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर टैक्स है वो लगना चाहिए, जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे होनी चाहिए, वो तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सेकंड इसके अंदर पार्ट आता है वो अपना है टाइम ऑफ सप्लाई, तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो जीएसटी का पेमेंट है वो कब होना चाहिए, किस डेट के ऊपर जो जीएसटी की लाइबिलिटीज है वो अराइजेज हो जाती है और गवर्नमेंट है उसको जीएसटी का पेमेंट किया जाना चाहिए, वो बेटा इसके अंदर सेक्शन 12 के अंदर बताया गया। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो भी इसके अंदर जीएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए मैंने इसमें कुछ पॉइंट बेटा पीछे लिखे थे भी कि परचेज ऑर्डर के टाइम पर या एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसी प्रकार से पेमेंट रिसीव या अकाउंट बुक में एंट्री डेट की डेट है, यानी जिस डेट को एंट्री की जाती है वो डेट, या यदि उसको पेमेंट के लिए चेक रिसीव होता है तो चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाने की डेट, कौन सी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माने, वो बड़ा इसके अंदर अपन देखना होता है। अब गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई के अंदर अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई है, उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। अपने सबसे पहले इसके अंदर जो लिया है वो टाइम ऑफ सप्लाई लिया है वो गुड्स की कंडीशन के अंदर। अब गुड्स की कंडीशन के अंदर देखिए बड़ा, सबसे पहले नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉरवर्ड चार्जेस। यदि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसको नॉर्मल सप्लाई माना गया है, यानी गुड्स का या तो रिमूवल हुआ है या रिमूवल नहीं हुआ है लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर सप्लाई किया गया, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है, उसका डिटर्मिनेशन अपन इस पॉइंट के अंदर पड़ेगा। सेकेंड इसके अंदर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का यदि आपने गुड्स की सप्लाई कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर है, यानी निरंतर है ना, एक विधि के द्वारा अपन कर रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटरमिनेशन कैसे करेंगे। सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यदि आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है उसके द्वारा यदि गुड्स की सप्लाई की है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है, उसका डिटरमिनेशन। नेक्स्ट इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटरमिनेशन अपन करेंगे सप्लाई ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर। इन केस ऑफ सप्लाई और वाउचर्स, अभी वाउचर्स क्या चीज़ होती है बेटा, आपने अभी तक तो ऑडिट के अंदर वाउचर्स तो ये पढ़ा है कि इसके अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे ये पता लगता है कि वो ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, वो क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे वाउचर्स की कंडीशन बड़ा एक अलग है कि वाउचर अपन किसको वाउचर माने, ठीक है, और वाउचर की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है उसको अपन कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए यहाँ पे वाउचर का जो छोटा सा मीनिंग है वो बड़ा थोड़ा सा ये है कि यदि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या इनकोर्स ऑफ बिजनेस के लिए कोई वाउचर दिया जाता है और उस वाउचर का जो उद्देश्य है वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो वो वाउचर द्वारा सप्लाई मानी जाती है, उसका टाइम अपन इस पॉइंट के अंदर डिटर्मिनेट करते हैं। अब ये जो अपने पॉइंट ऊपर लिए 5 पॉइंट पढ़ा, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, वो अदर केसेस, इसके अलावा कोई यदि केसेस है उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटरमिनेशन अपन इस पॉइंट के द्वारा करेंगे। और लास्ट इसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर यदि वैल्यू एडिशन कर दी जाती है, इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, यदि आपने जिस वैल्यू के ऊपर गुड्स की सप्लाई की है उसकी वैल्यू यदि एडिशन हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई का डिटरमिनेशन कैसे किया जाएगा। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए रिसीपिएंट टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज है, पेनल्टी वगैरह है, अदर जो इसके अंदर एडिशनल पेमेंट उससे रिसीव किया जाता है, तो उस एडिशनल पेमेंट की टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी, वो आपको इस पॉइंट के अंदर अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये जो 7 पॉइंट्स है बेटा, इन 7 पॉइंट्स के अंदर अपने को गुड्स की सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटरमिनेशन करना है कि किस कंडीशन के अंदर कौन से केसेस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे।
अब सबसे पहले अपना जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स और फॉरवर्ड चार्जेस। अब इस कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटरमिनेशन अपने को कैसे करना है सबसे पहले अपन इसको देखेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट है बड़ा नॉर्मल इसका जो सेक्शन है वो अपना है सेक्शन वन सब सेक्शन टू एंड सेक्शन 31। अब इसके अंदर बड़ा टाइम ऑफ सप्लाई है यदि नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स आपने किया है तो उस स्थिति के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई का डिटरमिनेशन कैसे किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले अपन को दो चीज देखनी होती है, इसके अंदर डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू यानी इनवॉइस इश्यू करने की डेट, और सेकंड इसको अपन कंपैरिजन करते हैं एक्सपेक्टेड लास्ट डेट फॉर इनवॉइस। ठीक है, यानी ये सेक्शन बड़ा 31 के अंदर आएगा, सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, यदि बड़ा आप नॉर्मल सप्लाई की कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई का यदि डिटरमिनेशन कर रहे हो तो उस स्थिति के अंदर अपने को देखना है कि डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू और एक्सपेक्टेड लास्ट डेट ऑफ और इनवॉइस इश्यू यानी इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट कौन सी है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, इससे पहले के जो अगर प्रोविजंस के अंदर देखें तो बड़ा इसके अंदर डेट ऑफ पेमेंट भी इसमें कंसीडर किया जाता था, यानी इनमें सबसे पहले ये देखा जाता था कि फर्स्ट इनवॉइस इश्यू करने की डेट और इनवॉइस इश्यू करने की एक्सपेक्टेड लास्ट डेट में से जो भी अर्लियर होता था वो, और उसको कंपैरिजन किया जाता था डेट ऑफ पेमेंट से। डेट ऑफ पेमेंट को कंपैरिजन करने के बाद जो भी उसमें से अर्लियर होता था वो टाइम ऑफ सप्लाई होता था। लेकिन अब इसके अंदर जो 15 नवंबर 2017 से बड़ा इसके अंदर जो डेट ऑफ पेमेंट है उसको कंसिडर नहीं किया गया। यदि कोई रिसिपिएंट या कोई सप्लायर एडवांस मनी यदि रिसीव्ड करता है तो उसको टैक्स से एग्जेम्पशन दिया गया है, उसके ऊपर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। और अदर केसेस के अंदर जो नॉर्मली पेमेंट होता है बेटा वो सप्लाई के बाद ही होता है, इनवॉइस इश्यू करने के बाद होता है, इसलिए जो इनवॉइस इश्यू करने के बाद जो पेमेंट हो रहा है उस स्थिति के अंदर इनवॉइस इश्यू करने की डेट और एक्सपेक्टेड लास्ट डेट का कंपेरिजन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर यदि ये कंडीशन दे रखी है तो उस स्थिति के अंदर बड़ा अपन क्या करेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू और एक्सपेक्टेड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू इनमें से जो भी अर्लियर है वो अपन इसमें से टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। अब इसके अंदर दो चीज आती है मैडम कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या माने, डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू क्या माने। अब डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू के अंदर बड़ा ये देखना होता है कि यदि गुड्स का रिमूवल यदि कंपलसरी है यानी सप्लाई के अंदर जो गुड्स है उसका रिमूवल यानी उस जगह से दूसरी जगह जाना यदि कंपलसरी है एसेंशियल उसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर रिमूवल की डेट को या उससे पहले की किसी डेट को सप्लायर के द्वारा इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है। मेरी बात समझे भाई बेटा कि इसके अंदर इनवॉइस इश्यू करने की डेट क्या होगी, तो इनवॉइस इश्यू करने की डेट वो होगी यदि गुड्स के लिए रिमूवल कंपलसरी है यानी गुड्स को हटाया जाना यदि उसके लिए आवश्यक है जरूरी है, तो उसकी रिमूवल की डेट यानी जिस डेट को गुड्स का रिमूवल हुआ है वो डेट,
या उससे कोई भी पहले की डेट है उस डेट को सप्लायर इनवॉइस है वो इश्यू कर सकता है। ठीक है, तो इनवॉइस इश्यू करने की डेट कौन सी होगी, या तो रिमूवल की डेट को इनवॉइस इश्यू करेगा या उससे पहले किसी डेट को इनवॉइस इश्यू कर सकता है। तो ये तो होगी अपनी इनवॉइस की इश्यू करने की डेट। तो इनवॉइस इश्यू करने की डेट कौन सी होगी बेटा, या तो रिमूवल की डेट या रिमूवल से पहले किसी भी डेट को सप्लायर है वो इनवॉइस है इश्यू कर सकता है। उसके बाद में सेकंड है इसके अंदर एक्सपेक्टेड लास्ट डेट फॉर इनवॉइस इश्यू किया है फिर ये। एक्सपेक्टेड लास्ट डेट का मतलब बेटा कि यदि गुड्स का रिमूवल होना है, यदि गुड्स रिमूव हो रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर रिमूव की डेट ही एक्सपेक्टेड लास्ट डेट हो। ठीक है, तो देखिए दोनों कॉमन से, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनवॉइस इश्यू करने की डेट, रिमूवल या उससे पहले किसी भी डेट को इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है तो वो इनवॉइस की डेट होगी। और एक्सपेक्टेड लास्ट डेट कौन सी होगी, एक्सपेक्टेड लास्ट डेट होगी यदि गुड्स का रिमूवल होना है तो जिस डेट को रिमूवल होना है वही उसकी एक्सपेक्टेड लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी इसका अर्लियर है वो इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इनवॉइस रिमूवल की डेट को या उससे पहले इश्यू किया जा सकता है, लास्ट डेट रिमूवल की डेट ही लास्ट डेट मानी जाती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है मैडम कि यदि गुड्स का रिमूवल नहीं होता है, यानी सप्लाई के लिए गुड्स है उसको हटाया जाना जरूरी नहीं होता है तो गुड्स की सप्लाई कैसे होगी। इसका मतलब बेटा ये होता है कि रिमूवल तो उसी स्थिति के अंदर होता है जब एक जगह से गुड्स को उठाकर दूसरी जगह के अंदर गुड्स को भेजा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, कैरिजेज के द्वारा, इस प्रकार से वो तो होता है रिमूवल। अब इसके अंदर रिमूवल है वो नो रिमूवल है बेटा, तो इसके अंदर गुड्स का यदि रिमूवल नहीं हो रहा है तो मतलब नो गुड्स रिमूवल हो रहे हैं, यानी गुड्स का एक जगह से हटाकर दूसरी जगह यदि उसको नहीं भेजा जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी ऐसे प्लांट या मशीनरी को उसके पर्टिकुलर जो रिसिपिएंट का प्लेस है उसके ऊपर जाके उसको बड़ा असेंबल किया जाता है, यानी उसको वहाँ पर तैयार किया जाता है। या कोई मान लीजिए ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके पर्टिकुलर फैक्ट्री या ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर जाके ही वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक उसको गुड्स नहीं मान सकते, जब तक उसको वहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया जाता या असेंबल नहीं कर दिया जाता तब तक उसको अपन एज ए गुड्स नहीं मान सकते। तो उस स्थिति के अंदर जो रिमूवल है मैडम वो जरूरी नहीं होता है। तो उस स्थिति के अंदर अपन टाइम ऑफ सप्लाई है वो कैसे निर्धारित करेंगे, यदि गुड्स का रिमूवल होना कंपल्सरी नहीं है सप्लाई के अंदर तो उस स्थिति के अंदर मैडम डिलीवरी रिसीव्ड बाय रिसिपिएंट। ठीक है, यानी रिसिपिएंट के द्वारा डिलीवरी रिसीव की जाती है, जिस समय डिलीवरी प्राप्त की जाती है उस डेट को अपन क्या मानेंगे, मतलब क्या मैडम इसका ये मान के चलो कि पहले अपना समझ में आ गया कि इसके अंदर यदि गुड्स का रिमूवल होना यदि एसेंशियल है कंपल्सरी है तो उस स्थिति के अंदर आपको बता दिया, यदि बड़ा नो रिमूवल ऑफ गुड्स है यानी गुड्स का रिमूवल होना जरूरी नहीं है उस स्थिति के अंदर जो इनवॉइस है वो इश्यू करने की डेट होगी वो एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी जिस समय रिसिपिएंट के द्वारा गुड्स की डिलीवरी रिसीव्ड की जाती है, या उससे पहले इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है। समझ गए, यदि रिमूवल होना कंपल्सरी नहीं है तो डिलीवरी के टाइम पर या उससे पहले इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है। और एक्सपेक्टेड लास्ट डेट है वो उस गुड्स को रिसीव करते समय या उसको गुड्स को उसके पर्टिकुलर उसकी असेंबल करने के बाद यानी उसकी डिलीवरी रिसीव करने के बाद उसकी जो डेट है उसकी एक्सपेक्टेड लास्ट डेट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये यदि गुड्स का रिमूवल यदि कंपलसरी है तो इनवॉइस रिमूवल की डेट या उससे पहले इश्यू किया जाएगा, एक्सपेक्टेड लास्ट डेट रिमूवल की डेट हो। यदि रिमूवल कंपलसरी नहीं है तो उस स्थिति के अंदर रिसिपिएंट द्वारा गुड्स को रिसीव करने यानी डेट ऑफ डिलीवरी बोला जाता है उसको, या उस समय उससे पहले इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है,
या उसके एक्सपेक्टेड लास्ट डेट है, वो गुड्स रिसीव्ड करते समय या उसको गुड्स की असेंबल करते समय या उसकी गुड्स की डिलीवरी लेते समय उसकी एक्सपेक्टेड लास्ट डेट मानी जाएगी, और इसमें से जो भी विच एवर इज अर्लियर है वो उसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा ये इसके अंदर नॉर्मल गुड्स की सप्लाई के कंडीशन के अंदर ये है कि यदि इन डेट ऑफ इनवॉइस एक्सपेक्टेड लास्ट डेट इस कंडीशन के अंदर, इसके अंदर जो भी अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यदि इनवॉइस इश्यू करने की डेट रिमूवल है, यानी गुड्स का रिमूवल होना है, दो की जगह यदि होना है तो रिमूवल के टाइम या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करेगा, लास्ट डेट है वो रिमूवल की डेट होगी। यदि गुड्स का रिमूवल होना कंपलसरी नहीं है तो डिलीवरी के टाइम पर या उससे पहले इनवॉइस इश्यू करेगा, इसकी लास्ट डेट है एक्सपेक्टेड और डिलीवरी के टाइम की इसकी लास्ट डेट है वो मानी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर नॉर्मल सप्लाई से रिलेटेड बड़ा थोड़ा सा अपने डिस्कशन किया, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, यहाँ इसके लिए इतना ही इस क्लास के लिए। ओके बेटा।